हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में, राइट। इससे पहले हम लोग वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन, टू स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन एंड जेंथल प्रोजेक्शन की बात कर चुके हैं, राइट, इक्वी डिस्टेंस जेंथल प्रोजेक्शन की। सो इस वीडियो में हम लोग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का शुरुआत कर रहे हैं। सो हमें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाते हैं। मैं इसे स्टेप वाइज समझाऊंगी और मैं बिल्कुल आप लोगों से आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ बिगिन करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है ड्रॉ अ इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, मतलब एक इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का निर्माण करें, ठीक है, जिसका आरएफ कितना हो, आरएफ है 1:400, आगे 6×0, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ना दिख रहा हो तो प्लीज अपना जो क्वालिटी का रेजोल्यूशन है आप उसे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो हमें आरएफ कितना दिया हुआ है, 1:400, उसके आगे 6×0, ठीक। अगला हमें क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है। तो गाइस, जो पहला स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे हम लोग स्टेप वन कह देते हैं, राइट, स्टेप वाइज समझेंगे, क्योंकि हमें कभी भी सीढ़ी चढ़नी होगी तो सबसे पहला स्टेप चढ़ेंगे फिर टॉप पे पहुंचेंगे। तो स्टेप वन है हमारा रेडियस का कैलकुलेशन, ठीक है। तो रेडियस का कैलकुलेशन मैं अपनी सारी वीडियोज में प्रोजेक्शन की बता चुकी हूँ कैसे करना है, बट इसमें भी हम लोग सीखेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे एक्चुअल रेडियस कितना होता है हमारे अर्थ का, ठीक है। एक्चुअल रेडियस होता है हमारे अर्थ का 6, 3, 5 और 6×0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6×0, राइट। और उसके बाद जितना भी आपको आरएफ दिया हुआ है आप उसे यहां नीचे लिख देंगे, राइट, कितना है हमारा 400, उसके बाद 6×0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब आप लोग, क्योंकि कमेंट्स जैसे कि आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग, मतलब मैम आपने ये रेडियस गलत ले रखा है अर्थ सरफेस का, तो मैं एक बात इसमें डिस्कस कर दूं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो जियोइड शेप में है, या फिर ऑब्लेट कह सकते हो या फिर स्फेरिकल कह सकते हो, ठीक है, स्फेरिकल ज्यादा आसान टर्म रहेगा। तो होता यह है कि अगर आप इक्वेटर पे रेडियस लोगे अर्थ का तो वो ज्यादा निकलेगा, आप खुद जानते हो कि वो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। और यही चीज आप यहाँ पे रेडियस कंसीडर करोगे पोल एरियाज के पास, पोलर एरियाज के पास, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वेटर के पास रेडियस ज्यादा मिलेगा और पोल के पास रेडियस कम मिलेगा। सो बात यह आती है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज एक रेडियस को कंसीडर करते हैं जो कि 6, 3, 5 फिर 6×0, ठीक है, ये है। तो ये डाउट आई थिंक आपको नहीं होगा अब कि मैंने ये वैल्यू क्यों ली है एक्चुअल अर्थ के रेडियस में, ठीक है। तो अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैम हम आपको बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर क्या अगला स्टेप क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 0 से 0, 6×0 कट गए, इसको टोटली काटने पे, पूरा ओवरऑल सॉल्व करने पे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 1.58, राइट, क्या मिलेगी 1.58 वॉट सेंटीमीटर्स, राइट। रेडियस आपको मिल चुका है, मतलब आपका स्टेप वन क्या हो गया है, कंप्लीट। नाउ अब हम लोग कहां जाएंगे, स्टेप टू की तरफ। तो चलिए मूव करते हैं, अगला क्या है, स्टेप टू, ठीक है। अब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी क्या है, हमारा इक्वेटर की डिस्टेंस लेंथ निकालनी होगी कि कितनी लंबी हम लोग लेंथ खींचे इक्वेटर की, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ इक्वेटर, लेंथ ऑफ इक्वेटर हमें निकालनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2πr का, क्योंकि आप खुद बताइए अगर आप एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये सिलेंडर है, सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, सर्कल ही दिखेगा ना, ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल ही दिख, सर्कल के फॉर्म में ही दिखाई देगा। दैट मीन्स 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे ऊपर से सिलेंडर को तो वो सर्कल ही दिखाई देगा, ठीक। तो अब यहां पर क्या करते हैं, वैल्यूज पुट अप करते हैं, 2 × π की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने r, जो फर्स्ट स्टेप में जो r की वैल्यू निकाली है, ये वाली दिख रही होगी आपको, बॉक्स में कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे पुट करेंगे r की जगह पे, कितनी आएगी 1.58, ठीक।
अब इसको टोटल सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सॉल्व करने पे जो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 9.93 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कितना मिलेगा हमें? 9.93 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हमारा स्टेप स्टेप टू कंप्लीट होता है। दैट मीन्स ये जो 9.93 आपको जो वैल्यू मिली है, हम लोग इतने इतने ही सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। इक्वेटर बनाने के लिए हम लोग इतने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हम लोग किसकी तरफ? स्टेप थ्री की तरफ। तो चलिए, लास्ट स्टेप है ये, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करते हैं, हमें पता चल गया इक्वेटर हम कितनी लंबी खींचेंगे। ठीक है, हमेशा आप लोगों को ये पता होगा कि अर्थ में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों होती हैं। जो खड़ी हुई रेखा है वो लॉन्गिट्यूड है, जो लेटी हुई रेखा है वो लैटिट्यूड है। तो हमने इक्वेटर के बारे में तो निकाल लिया, अब बच क्या रहा है? लॉन्गिट्यूड। हम लोग कितने डिस्टेंस पे लॉन्गिट्यूड लगाएंगे? तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मतलब दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कैसे कितना कितना डिस्टेंस होगा वो हम लोग बात करेंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले 2 पाई आर इंटू, लिख दे रही हूं यहां पे मैं फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू सी आई। सी आई क्या है हमारा? क्लास इंटरवेल। ठीक है, अपॉन 360। सी आई हमारा क्लास इंटरवेल है जो कि हमें क्वेश्चन में 30 गिवेन है। ठीक है, 360 हमने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि पूरा जो एक सर्कल होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है, इसीलिए हम लोगों ने 360 कंसीडर किया है। अब आप बोलेंगे एक सर्कल का ही एंगल क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया आपको, यहाँ पे सिलेंडर है, हम उसे ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे अगर सिलेंडर का, तो वो क्या दिखाई देगा हमें? सर्कल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो सिंपली यहां पर देखिए, आपने 2 पाई आर की वैल्यू, आपने अभी अभी यहाँ पे देखो 2 पाई आर की वैल्यू निकाल रखी है, तो आप सीधे सीधे इसको पुट कर दो, कोई बुद्धि लगाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, 9.93 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटू क्लास इंटरवल, एक बार क्वेश्चन की तरफ देख लेते। तो क्लास इंटरवल हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आइए, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमें क्लास इंटरवल की वैल्यू डालनी है, जो कि अभी क्वेश्चन में हमने कितनी देखी थी? 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन कितना? 360, राइट। अब टोटल आपको क्या करना है? इसे सॉल्व कर लेना है। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा आंसर? 0.82 सेंटीमीटर्स, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है कि जब आप अपना सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे, जैसे आपने ये इक्वेटर बना ली, फिर बाकी सारी बना लिया, ठीक है, अब क्या होगा कि आपको जो लॉन्गिट्यूड बनानी है, इसके लिए आपको 0.82 का आर्क लेना पड़ेगा। जैसे कंपास पे यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लेके लगाया, फिर एक और यहाँ पे रखा कंपास, फिर यहाँ आर्क लगाया, तो ये जो इन आर्क के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0.82 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसीलिए हमें थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन करने वाले जितने स्टेप थे वो खत्म हुआ। अब हम लोग इन कैलकुलेशन के हेल्प से क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप बनाएंगे, जो कि क्या होगा? हमारा प्रोजेक्शन। तो शुरुआत करते हैं। ये स्टेप फोर है, ये हमारा फाइनल स्टेप और कह सकते हैं लास्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला जो काम इसमें करना है हम लोगों को, वो एक लाइन खींच लेनी है अपने मन से। मैंने खींच ली एक लाइन सीधी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? आर का कैलकुलेशन। आर के कैलकुलेशन में हमें क्या पता चल रहा है? 1.58 सेंटीमीटर हमारा आर की वैल्यू आई थी, मतलब रेडियस आया था, जो कि अभी हम लोग क्या करेंगे? इस कंपास पे लेंगे। हमने क्या किया, कितना हमें चाहिए थी वैल्यू? 1.58। तो हम लोग करेंगे क्या? 1.58 अपने कंपास पे लेंगे। ये देखिए 0, ये हमने कितनी वैल्यू ले ली है? एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये 1.5 है, 5 8 है, इसलिए 8 तो ले नहीं सकते, तो हम लोग 5 ले लेते हैं या फिर 6 ले लेते हैं। ठीक है, 5 भी ले लेंगे तो भी सही है, 6 भी ले लेंगे तो भी सही है, तो हम लोग 5 लेके मान रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब इतना हम लोगों ने ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर कहीं पे भी, इस लाइन पे कहीं पे भी एक जगह पे हमें कंपास को ऐसे रखना है और क्या करना है? सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहां देखिए सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक, अब क्या करेंगे? इस पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा था, राइट,
ऐसे। सो ये पॉइंट को यहां से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, यहां मैंने रखा, ठीक है, इस पॉइंट पे। आई होप आपको कंपास का ये आता होगा कि यहाँ पे मैं कैसे 90 डिग्री रख रही हूँ। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मेरा कंपास था, ऐसे ऐसे करके कुछ कंपास मैंने रख के ड्रॉ किया था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री कर लेंगे। सेट स्क्वायर होता है, उसकी मदद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बट वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रोटेक्टर का, ठीक है। 90 डिग्री हो गया ये। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी, यहाँ पे लाइन ही सब कुछ है, लाइन सीधी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगला हमें क्या करना है, एंगल्स बनाने हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एंगल्स बनाएंगे सेमी सर्कल में। कैसे, यहाँ पे रखा हम लोगों ने अपने प्रोटेक्टर को, या फिर डी को, या फिर चांदे को कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्लास इंटरवल है, 30 पे हमने मार्क किया, फिर से 30 कितना होगा, 60, 60 डिग्री पे हमने मार्क किया। अगला 30, 30 का डिफरेंस है ना, 30 का क्लास इंटरवल है, तो पहले 30 होगा, फिर 60 होगा, फिर 90 होगा, हमारा 90 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं। फिर अगला क्या काम होगा, इन पॉइंट्स को अटैच करना। ये हमने ऐसे रखा, ऐसे अटैच कर दिया, ऐसे ऐसे रखा, ऐसे अटैच कर दिया, और ये हमारा 90 है ही। गाइज मैं कहूंगी कि ये चीज आप लोग बाद में मिटा लीजिएगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी ऐसा ही काम करेंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा 30 डिग्री, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे आर्क लगाया, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे आर्क लगाया। फिर क्या करना है मुझे, इस पॉइंट से अटैच कर देना है, ऐसे रखा, ऐसे अटैच कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से रखा, और फिर क्या किया, इसको अटैच कर दिया, ठीक। मैं भी लिख दे रही हूँ, ये हमारा कितना होगा 30, ये हमारा कितना होगा 60, ये हमारा कितना होगा 90। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा 30, यहाँ पे कितना होगा 60, यहाँ पे कितना होगा 90, ठीक है। और ये जो रेस्ट ऑफ दम, ये बेकार की लाइनें हैं, आप इसे रब कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी लाइंस रिमूव कर ली है, जो एक्स्ट्रा थी वो सारी लाइंस को हमने रिमूव कर लिया है। अगला अब हमें करना है, स्टेप टू की तरफ बढ़ना है। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालेंगे। लेंथ ऑफ इक्वेटर हमें कितनी आ रहा है कैलकुलेट करने पे, 9.93 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम लोग यहाँ इस पॉइंट से लेकर 9.93 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। कैसे वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 0 रखा, मुझे कहाँ तक खींचनी है, 9.9। 3 को हम नहीं कंसीडर करते, 9.9 नहीं कंसीडर करते हैं, तो 9.9 की मैंने क्या करी है, ये लाइन खींची है। और अब क्या करना है, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। आप लोग सेट स्क्वायर से खींचेगा, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक। ये मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके डिविजन्स करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। सो 0 पॉइंट डिस्टेंस को, 0.8 डिस्टेंस को हम लोग स्केल पे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 0.8 है। सो अब क्या करना है हमें, इसी डिस्टेंस को क्या करना है हमें, इक्वेटर मतलब लॉन्ग, मतलब यहाँ पे आर्क लगानी है, जिसे हम हिंदी में चाप कहते हैं, राइट। तो हम इसे टेढ़ा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया पहला आर्क लगाया, ठीक है। हमें टोटल कितने आर्क लगाने हैं, 12 लगाने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये हमारा लास्ट होगा 12, ठीक है। हमने 12 लगाए। अब ये बात अब आ रही होगी, 12 क्यों लगाए, बिकॉज क्या है, 360 का है, जैसा मैं अभी प्रीवियसली बता चुकी हूँ, तो उसे हमें 30-30 के इंटरवल में बांटना है, तो 12 आएंगी आर्क, ठीक है। अब कैसे आएंगी, जैसे कि देखिए 30, फिर कितना होगा 60, फिर कितना होगा 90, 90 के बाद होगा 120, फिर होगा 150, फिर होगा हमारा 180, राइट। ये इंटरवल होगा, ठीक। तो अब ये हो गए हमारे 6,
उसके बाद हमारा एक होगा शून्य, और फिर दोबारा यहाँ पे इसी तरह छह आ जाएंगे, 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, कैसे अब वो देखिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ परपेंडिकुलर सीधी लाइन खींचनी चाहिए, तो आप लोग सेट स्क्वायर की हेल्प से खींचिएगा। मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प से खींच रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सेट स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम 90 डिग्री एकदम सीधी लाइन खींचनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहला ये होगा, ये क्या कितना होगा हमारा, होगा 180 का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 150, 150, 120, 90, 60, 30, और ये हमारा क्या होगा, प्राइम मेरिडियन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होगा, ये याद रखिएगा। फिर यहां से 30, 60, 90, 120, 150 और 180। 180, 180 कितना हो जाएगा, टोटल 360। ठीक है, तो फिर ये हमारा 360 हो जाएगा। सो, यहाँ पे हम लोगों ने इतना पूरा कर लिया। अब क्या करना है, इन लाइनों को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से खींच लेते हैं। जैसे इन पॉइंट्स पे हमने आर्क लगाया, अब इन लाइंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग जो नंबरिंग है, ये लाइन एकदम सीधी खींची होनी चाहिए, सो इसको ध्यान से खींचेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उसे सीधी, हर लाइन सीधी खींची होनी चाहिए। तो इसे प्रॉपरली सेट स्क्वायर से बनाइएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको समझा रही हूँ, राइट? आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से बनाएंगे तो वो एकदम सही बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इन सारी लाइंस को मैं सीधा सीधा खींच ले रही हूँ। ठीक, ये मैंने क्या कर लिया, सारी लाइंस खींच ली। इतना बात आपको समझ आ गई, मतलब मैंने सारे क्या कर लिए, लॉन्गिट्यूड्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगी, लैटिट्यूड्स बनाऊंगी। लैटिट्यूड किसकी हेल्प से बनाऊंगी, ये जो मैंने जो डिग्रीज मार्क करी थी, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसकी हेल्प से। कैसे बनाऊंगी, यहां पर क्या करूंगी, मैं सीधी लाइन रखूंगी। यहां पर अगर आपके पास सेट स्क्वायर हो, तो सेट स्क्वायर कुछ ऐसा ट्राइंगल शेप का होता है, तो आप लोग क्या करना, इसी सेट स्क्वायर को ऐसे ही शेप में यहां पे रखना, जिससे कि यहां पर अगर आप इस टाइप से रखोगे तो ये एक सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, सेट स्क्वायर से 90 डिग्री या फिर कह लीजिए सीधी लाइन ऐसे ही ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे। अगर आपको फिर भी ना समझ आ रहा हो, तो ये देखिए, मैं इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से सीधी लाइन खींच के दिखाती हूँ। जैसे ये जो पॉइंट है, यहां पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर मैं क्या करूंगी, यहां मार्क कर लूंगी, ये 90 डिग्री मतलब सीधी लाइन है। ठीक, सो क्या करूंगी, अब मैं इस लाइन को ऐसे रखकर ऐसे खींच दूंगी। ठीक, मतलब ये सीधी लाइन है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हमें अगला है 60 डिग्री, तो यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। यहां पे इस पॉइंट पे रखा सीधा, ठीक है, और फिर क्या करना है, 90 डिग्री यहां पे लाइन को मार्क करना है। यहां पे मैंने मार्क किया, कुछ ऐसी बनेगी लाइन, ऐसी। ठीक है, अगला हमें क्या करना है, 30 डिग्री पे इसी तरह का करना है। 30 डिग्री पे हम लोगों ने इस लाइन को रखा और क्या किया, 90 डिग्री यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन क्लिक करेंगे, खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, कह लीजिए ये कुछ इस टाइप का भी दोहराएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेट स्क्वायर रखा और क्या किया, फिर 90 डिग्री मार्क किया। ठीक, पूरी कहानी सिमिलरली एकदम ऐसे ही हम लोग दोहराएंगे। आप लोग इसे सेट स्क्वायर से करिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग इसे सेट स्क्वायर से ही करिएगा, तभी सीधी लाइन खींचेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधी लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, ये हम लोग ये क्लिक कर लिए, हम लोगों ने खींच लिया लाइन। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे बनेगी कुछ। अब बाकी जो बेकार की जितनी भी लाइनें हैं, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे। कैसी बेकार की लाइनें हैं, जैसे कि जो ये सारी हैं, ये सब बेकार की लाइनें हैं, इसके नीचे वाले का हमें कोई यूज नहीं है। ये जितनी लाइनें हैं, ये सब बेकार की लाइनें हैं। बाकी ऊपर का ये जो वाली लाइन है, ये सब बेकार लानी है। सो आप लोग ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, इसे रिमूव कर दीजिएगा। सो हम लोगों ने सारी जो अनयूजुअल या फिर बेकार की लाइनें थी, उन्हें हम लोगों ने रिमूव कर लिया, मिटा लिया है। पूरा हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा प्रोजेक्शन का। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसमें हम लोग डिग्रीज मेंशन करेंगे। कैसे? देखो 180 डिग्री, ठीक है, उसके बाद कितना होगा 150 डिग्री, उसके बाद होगा 120 डिग्री, फिर होगा 90 डिग्री, फिर कितना होगा 60 डिग्री, फिर कितना होगा 30 डिग्री, और फिर कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या बता रही है? डिग्रीज बता रही है कि मतलब टोटल हमारी 360 होती है ना, पूरी एक सर्कल की 360 होती है। सो 180 एक साइड, 180 एक साइड, ठीक। ये जीरो क्या है? हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है। फिर से यहाँ पे 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, देन व्हाट 90 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 150 डिग्री, एंड ये क्या होगी, ये वाली लाइन होगी 180 डिग्री की। यहाँ पे हमारा 360 डिग्री हमने टोटल पूरा दिखा दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की लिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि ये जीरो डिग्री बीच वाला इक्वेटर सबको पता होगा, 30 30 का इंटरवल है, तो कितना होगा 30, फिर कितना होगा 60, और ये जो लास्ट लाइन होगी वो कितनी होगी 90। फिर से यहाँ पे 30, ये कितना होगा 60, ये जो लास्ट लाइन है वो कितनी होगी 90 डिग्री की। यहाँ पर भी ऐसा है, प्राइम मेरिडियन है जीरो, फिर 30, 30 इसलिए आया, 30 30 का क्लास इंटरवल इसलिए है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह हमें ये पूरा इस टाइप का बनेगा हमारा कुछ डायग्राम। अब आप लोगों को कुछ चीजें बता देती हूँ। जितना डिस्टेंस आपका यहाँ पे रेडियस है, सेमी सर्कल आपने बनाया था, उसका उसका रेडियस कितना था? उसका रेडियस था 1.5, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखो इमेज में 1.5 आ रहा है, ठीक। सिमिलरली ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसका भी डिस्टेंस 1.5 होगा और इसका भी डिस्टेंस 1.5 ही होगा। यहाँ पे कितना है 1.5, 1.5, ठीक। ये देखो 1.5 दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक 1.5। सिमिलरली यहाँ इसके नीचे वाला डिस्टेंस देखो, यहाँ पे भी 1.5, ठीक है। और आप इस जगह से भी देखोगे, मतलब इतना पोर्शन देखोगे ये भी 1.5 होगा, और इतना पोर्शन देखोगे वो भी 1.5 होगा। कैसे देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखो 1.5 का डिस्टेंस है, जितनी मेरे आर की वैल्यू थी, यहाँ पे भी देखो 1.5 का डिस्टेंस है। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, कि हमारा डायग्राम एकदम सही बना है, ये हमें इससे ये पता चल जा रहा है, समझे आप। तो इस टाइप से कुछ हमारा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनता है, इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब हमारा जो डिस्टेंस है, जैसे सपोज कह लीजिए हम लोग इक्वेटर, ई को इक्वेटर समझिएगा, इक्वेटर से जब हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता जा रहा है। जैसे देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम लोग 30 डिग्री तक बढ़े, फिर हम लोग 60 डिग्री तक बढ़े, फिर 90 तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना कम है, यहाँ पे डिस्टेंस उससे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम लोग पोलर एरियाज की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, समझे। और एक और बात, ये जो जो डिग्रीज होती हैं, ये हमारे किस लिए होती हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये हमारे लैटिट्यूड बनाने के लिए होती हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस हम लोग किस में निकालते हैं, अपने स्टेप्स में निकालते हैं। ये पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा, एक दो प्रॉब्लम्स करिएगा, कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। और ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को समझा है, ठीक है। अगले सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हम लोग करेंगे इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, सिमिलर इसी तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने प्रीवियस प्रोजेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सारी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी।